आपको बता दें 1000% ग्रोथ नहीं हुआ, 1000 गुना ग्रोथ हुआ। एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी की पूरी केस स्टडी दूंगा। ये आपका स्वागत है, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज पहली दफा ये टॉपिक दे रहा हूं आपको, फ्लैश सेल्स, एक अर्जेंसी क्रिएट करने वाला टॉपिक, एक ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एंटरप्रेन्योर है, ये दोनों को काम आने वाला है। स्टूडेंट को क्यों? क्योंकि इसके दौरान फ्लैश सेल्स में फायदे नुकसान के साथ साथ एक एडटेक एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी की पूरी केस स्टडी दूंगा और एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे लोग अचानक सेल्स कैसे बड़ी कर लेते हैं। ये एक एक्सक्लूसिविटी और इंपल्स बाइंग और अर्जेंसी का मॉडल है। एक ऐसी एक्सक्लूसिविटी और अर्जेंसी क्रिएट करके आदमी फट माल कैसे खरीद लेता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड ई कॉमर्स में ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। लोग अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट हो, जल्दी बेच देते हैं, लंबा जबरदस्त डिस्काउंट 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। ब्लैक फ्राइडे अमेरिका के अंदर बड़े पॉपुलर है। और मैं एक मिनट बीच में आपको फिर से याद दिला देता हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं या एंटरप्रेन्योर है, दोनों के लिए केस स्टडी जरूरी है। स्टूडेंट को क्यों? एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन स्टार्टअप का मैं पूरा केस स्टडी दूंगा और एंटरप्रेन्योर आप देख लो, कई प्रकार की फ्लैश सेल होती है, जैसे कॉल टू एक्शन की फ्लैश सेल। आप कॉल टू एक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग दे दो, या ऑन द स्पॉट, अभी नहीं तो कभी नहीं, या तीसरा फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, हाथ से ना निकल जाए आपके, चौथा मिस्ट्री फ्लैश सेल। ये व्हील ऑफ फॉर्चून रहता है ना, मिस्ट्री मतलब है किसी को पता नहीं मिलेगा कितना डिस्काउंट मुझको, तो वो गोल 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 घूमता है व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह, या वो रूले रहता है गैम्बलिंग के अंदर, या फिर बाय वन गेट वन फ्री, या कूपन एंड डिस्काउंट, या क्रिएटिंग हाइप एंड अर्जेंसी। ये 7 तरह की मैंने आपको बताई फ्लैश सेल्स। इसमें कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन फ्लैश सेल में कभी सक्सेसफुल नहीं होती। आजकल टीवी पे बहुत सारे आते हैं ये, हाँ, कि ये बॉडी मसाजर ले लो, अभी ले लो, खत्म होने वाला है, 500 पीस, 400 पीस, 300 पीस, 200 पीस, 100 पीस, 50 पीस, खत्म, 25, 20, 5, 0, तो 15 मिनट के बाद देखते हैं फिर वही ऐड चालू, 4 घंटे बाद देखते हैं फिर वही ऐड चालू, तो वो जेन्युइन नहीं होती हैं। लेकिन कुछ जेन्युइन भी रहती हैं, जैसे अमेज़न की डील्स ऑफ द डे, वो जेन्युइन है, वो रहेगी, बाद में खत्म हो जाएगी। ऐसे बिग बाजार, क्या कहते हैं, कबाड़ से कमाई, वो जेन्युइन है, आएगा 7 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कई सारी सेल्स मिंत्रा ने बहुत निकाली है, और शाओमी की फ्लैश सेल तो बहुत पॉपुलर रही है। शाओमी ने क्या किया था, 3 लाख मोबाइल 3 मिनट में बेच दिए थे। मोबाइल उन्होंने बताया भाई आने वाला है, अब लोग इंतजार कर रहे हैं भाई 4G कनेक्शन, फटाफट इंटरनेट पे बुक करूंगा। जैसे ही बुक का बटन दबा के एंटर दबाया, बिक गया, सब बिक गया। क्या बात कर रहे हैं, सब बिक गया, 3 लाख मोबाइल 3 मिनट में बेच दिए। सारा दिन अखबारों में खबर छपती रही, न्यूज चैनल्स में आ गए, ओए शाओमी ने 3 लाख मोबाइल 3 मिनट में बेच दिए। क्या बात कर रहा है, हाँ यही बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको देखा देखी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई MI के बाद, वो भी एक हैंडसेट कंपनी थी, उसने भी 1 हफ्ते की फ्लैश सेल निकाली। उसका 51% ट्रैफिक भी बढ़ा, 50% कन्वर्जन भी बढ़ा, 236% उसका रेवेन्यू भी बढ़ा। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो कंपनी बंद हो गई। क्या? हाँ, वो कंपनी बंद हो गई, वही हैंडसेट कंपनी, अब वो बची भी नहीं। क्यों? एक रूल समझिए, अ ग्रेट एडवर्टीजमेंट विल किल द बैड प्रोडक्ट इवन फास्टर। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो फ्लैश सेल्स मत करिएगा। फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैं मेन स्टोरी यहाँ पे आकर के समझनी जरूरी है। प्रोडक्ट में अगर दम नहीं, डिस्काउंट पे आपने जल्दी में खरीद लिया, उसके बाद अगर उसमें दम नहीं है तो आप अपसेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा। आप क्रॉस सेल नहीं कर सकते, उसको दूसरी रेंज नहीं बेच पाओगे। आप रीसेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बार बार रहना ही नहीं है और लॉयल्टी जनरेट होगी ही नहीं। एडवर्टीजमेंट से एक्विजिशन होता है, प्रोडक्ट से रिटेंशन होता है। ये गोल्डन स्टेटमेंट समझ लीजिए। अगर आपने एड अच्छी निकाल दी तो कस्टमर आ जाएगा, एक्विजिशन हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो रिटेंशन नहीं होगा। देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग। अब मैं आपको आज बताऊंगा उत्कर्ष के बारे में। ये एक बहुत बढ़िया केस स्टडी, आपको समझ में आएगा ये उत्कर्ष है क्या। मैंने एडटेक की बात की थी, प्रॉमिस किया था केस स्टडी दूंगा, हर बार आपको कोई ना कोई केस स्टडी से बात समझाता हूं। आप इस केस स्टडी से समझिए कि प्रोडक्ट अच्छा होने के कारण इनकी फ्लैश सेल जबरदस्त चली। ये 18 साल पुरानी कंपनी है, इसको निर्मल गहलोत जी ने चालू किया 13 सितंबर 2002 में, ऑफलाइन में। आज 35,000 बच्चे हर साल पढ़ाते हैं ये एडटेक टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, लेकिन ऑनलाइन में 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं, 10 लाख एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, 1 मिलियन जो एप्लीकेशन डाउनलोड हुई, उसके अलावा 3 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो गए, 1 मिलियन फेसबुक पे इनके फॉलोअर हो गए। शुरुआत जब इन्होंने करी तो छोटे छोटे काम खुद ही करते थे, खुद ही सफाई करना, खुद ही पानी भरना, खुद ही पढ़ाना, खुद ही सब कुछ करना। एक आदमी से आज 400 लोगों की कंपनी बना दी। आप ये समझिए कि जो उत्कर्ष है, इसका ट्रैफिक फ्लैश सेल्स के कारण जनवरी 2019 में 1 लाख थे, जनवरी 2020 में 11 लाख हो गए। कन्वर्जन देखिए, 2019 में 1000, अब 1.5 लाख। रेवेन्यू देखिए, ये केवल 1.59 लाख था, अब ये इस समय 17.25 करोड़ हो गया, 1000 गुना का रेवेन्यू हुआ। तो रुको, थोड़ा रुको, डॉट्स कनेक्ट करते हैं।
मैं क्या बता रहा था, ये बीच में केस स्टडी कैसे समझा रहे हैं आपको कि फ्लैश सेल कब फेल होती है, जब प्रोडक्ट कमजोर हो। अब प्रोडक्ट को मजबूत करना था उत्कर्ष ने, और मजबूत किया, और मजबूत किया, 7 स्ट्रैटेजी पे काम किया। पहला क्या है, क्लासरूम टू एडटेक, कि भाई मैं पहले फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाया करता था, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में आ गया, स्मार्ट ई बुक्स बना दिए। अब जो एप्लीकेशन बनाया उसमें किसी को अगर फॉन्ट बड़ा छोटा करना है उस पर काम किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने, छोटे छोटे फीचर्स बना करके दे दिए, आदमी को नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है, उसको नाइट मोड में पढ़ना है, उसको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, उसको फ्लैश कार्ड, क्यू कार्ड नहीं होते जी, अपने अपने नोट्स होते हैं वो बना लो, स्टूडेंट को यूट्यूब के वीडियो स्टूडेंट ऐप में डाल सकता है। मान लो जैसे कोई और भी वीडियो होते हैं, भाई मेरे को किसी और कंपनी के वीडियो अच्छे लग रहे हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो उत्कर्ष ने सोचा भी क्यों नहीं मैं इसको एम्पावर कर दूं, केवल अपना कंटेंट क्यों दिखाऊं, इसको किसी और का अच्छा लगता है उसको भी फोल्डर बना ले, उसका भी प्लेलिस्ट बना ले, उसकी भी वेब लिंक डाल दे बीच में। उससे क्या हो गया, कंज्यूमर सोचने लगा भाई मैं अपनी फोल्डर बना रहा हूं, वो बड़ा एम्पावर्ड महसूस करने लगा। अगला पॉइंट समझिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉम्पिटिटर एंड कंज्यूमर, ये स्ट्रैटेजी बड़े काम की है, मैं तरफ बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ये गेम चेंजर आपको भी काम आएगी। अगर आपके कॉम्पिटिटर से आपका कस्टमर जो आपका कंज्यूमर है वो किसी भी कारण से दुखी है, वहां आपके लिए अपॉर्चुनिटी छुपी है। जब भी कॉम्पिटिटर के किसी भी प्रोडक्ट से कस्टमर शिकायत कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, वहीं छुपी है बड़ी अपॉर्चुनिटी। आजकल जो एडटेक कंपनी है उन्होंने बहुत टीचर बना लिए, वो टीचर घर से ही पढ़ा देते हैं, वो लैपटॉप के ही कैमरा से पढ़ा लेते हैं, वहीं से रिकॉर्डिंग करते हैं। अब घर के माहौल में, एक तो वो घर का माहौल, दूसरा वो कैमरा लैपटॉप का, दोनों चीजें बड़ी हल्की। घर के माहौल में टीचर के पीछे से बच्चा भी चिल्ला देगा, पप्पा जल्दी करो बहुत हो गया है, ओ पप्पा चलो पिक्चर देखने जाना है, और बच्चा भी बैठ करके देखता है, ये सुनते सुनते वीडियो वो देख रहा है, पीछे से उसके बेचारे बच्चे चिल्ला रहे, माहौल खराब है, कैमरा दमदार नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि मैं 4K इंटरैक्टिव पैनल ला सकता हूं, क्या मैं PDF बना कर दे सकता हूं, मैं लाइव क्लासरूम की पढ़ाई करा दूं, वो लोग प्री रिकॉर्डेड सेशन देते हैं। इन्होंने क्या किया जी, सारे लाइव सेशन देने लगे, तो लाइव में बच्चों के माहौल के अंदर जो क्लासरूम में एक्टिव माहौल होता है उससे बच्चा भी ध्यान से देखता है वीडियो, तो वो क्लासरूम का माहौल मिलने लग जाता है उसको। ये खाली ऑनलाइन पढ़ा करते थे, इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे दिया। अब देखिए तीसरी स्ट्रैटेजी, क्रिटिकल को बनाया रिपीटेबल, फैकल्टी ऐसी लेके आओ कि सही रेट की फैकल्टी मिले लेकिन हो बड़ी दमदार, जबरदस्त फैकल्टी लेके आऊं। वो फैकल्टी जो 5 लाख रुपए महीने वाली हो सकती थी, मैं किसी तरह उसको सही रेट पे ला सकता हूं क्या, रीजनेबल रेट पे, उसके लिए अच्छे प्रोसेस बनाए, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है सब बर्बाद। याद रखिए फ्लैश सेल्स तभी काम आएगा अगर प्रोडक्ट दमदार हो, तो पहले तो फैकल्टी के सारा पुराना एक्सपीरियंस चेक करो, उसका रिटन टेस्ट लो, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करने में इसका स्क्रीन टेस्ट लो, फिर फीडबैक के लिए 5 प्रोफेसर सामने बैठा दो पैनल पे, भाई चेक करो ये टीचर ठीक है भी कि नहीं है, वो 5 टीचर मिल करके प्रोफेसर जो है चेक करके बताते हैं भाई ठीक है या ठीक नहीं है, क्या गड़बड़ है, उसको 10 में से रेटिंग दे दिया, फिर उसको डेमो के लिए लेके गए। अगला स्टेप डेमो एक उस क्लासरूम में करा दिया जो सब्जेक्ट बच्चे पहले ही पढ़ चुके थे, है जी सिंधु घाटी की सभ्यता, अब बच्चे पहले ही पढ़ चुके थे, उस नए टीचर से सिंधु घाटी की सभ्यता दोबारा पढ़वा देते हैं, बच्चों को समझ में आ जाता है भाई इसको आता है पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, कंपैरिजन कर लेता है, उससे समझ में आता है। और फिर चौथा स्ट्रैटेजी क्या लेकर के आए, फैकल्टी तो अच्छा होना चाहिए था, जबरदस्त हुआ, अब क्या है प्रोडक्ट भी और अच्छा बनाना है आपको, प्रोडक्ट वो बनाओ जो तेज चलेगा, FSN एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, केवल वही कोर्सेज बनाओ जो जल्दी 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 चलते हो, सबसे ज्यादा स्टूडेंट की जहां पर डिमांड हो, सबसे ज्यादा स्टूडेंट सरकारी नौकरी जहां ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने UPSC के, बैंक एग्जाम्स के, पुलिस के, जुडिशरी के, रेलवे के, पटवारी का, सब इंस्पेक्टर, SSC, RPSC और दूसरे रीट का, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, ये सारे लेकर के आए। उसके बाद अब स्कूल भी लेकर के आ रहे हैं 5वीं से लेकर 12वीं तक के लिए, क्योंकि स्कूल के लिए भी बहुत पढ़ाई होगी। 5वां है फीडबैक इज दी ओनली फ्यूल, बड़ा पावरफुल है जी, क्योंकि अगर फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो, कस्टमर सिग्नल देता है, गाइस वन मोर टाइम कम ऑन, कस्टमर सिग्नल देता है। तो उन्होंने उस स्ट्रैटेजी को यूज करके प्रोडक्ट दमदार बनाया, बोला डिस्काउंट पे दूंगा लेकिन बाद में माल बहुत बिकेगा। कब बिकेगा, पहले जब बच्चे पढ़ते थे, वीडियो देखते थे, कहते थे कि क्या इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं रिविजन के लिए, तो उसकी स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी उन्होंने, फीडबैक लिया, उसको 0.5x 0.75x पे ले गए, ताकि स्टूडेंट जब रिवीजन में देख रहा हो तो वीडियो को जल्दी जल्दी देख ले, ऐसा करके बोलता है फटाफट, लेकिन उसको रिवीजन हो जाता है, भाई बात समझ में आ गई है इसकी। पहले जो है इनका रेजोल्यूशन बहुत हाई था, इन्होंने क्या किया लो रेजोल्यूशन भी दे दिया, ताकि बच्चे को जो है इंटरनेट का कंजम्पशन, उसके डेटा का कम होए,
तो उसको लो रेजोल्यूशन पे 720 पे उससे कम पे ला करके देना शुरू कर दिया। अब उसकी इंटरनेट का कंजम्पशन तो कम हुआ, लेकिन बच्चों ने पूछा क्या ऐसा कुछ कर दो कि मैं वाईफाई से लेकर उसको डाउनलोड कर दूं। तो उन्होंने क्या किया, वाईफाई से डाउनलोड का ऑप्शन भी दे दिया, क्या बच्चा डाउनलोड भी कर पाता है। उसके बाद फिर देखा कि अब क्या बची प्रॉब्लम उसकी, कि उसको थोड़ा ग्रुप बनाने हैं, उसको थोड़ा सेपरेट बटन बनाने के मैं लाइव क्लास आसानी से ढूंढ लूँ। आगे बच्चे ने बोला ऑडियो नहीं मिल रहा, तो उन्होंने ऑडियो भी दे दिए कि भाई सारे के सारे वीडियो अगर आपको खाली ऑडियो में सुनने। अब बच्चा पता है क्या है, बच्चा जा रहा है बस के अंदर, कहीं जा रहा है आ रहा है, अब वो कान में गाने लगा के नहीं सुनता, पहले खाली गाने चलते थे। हाँ जी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन अभी क्या किया उसने, उसने इनका ही MP3 ऑडियो लगा लिया, अब वो सिंधु घाटी की सभ्यता ऑडियो में भी सुनते हुए जा रहा है बस के अंदर भी, इसका टाइम सेव हो गया। अब आती है जी छठी स्ट्रैटेजी, फ्लैश सेल्स टू कैप्चर नॉन कंज्यूमर। इसको मैंने शुरू में थोड़ा बता दिया, लेकिन फ्लैश सेल्स तभी चलेगा जब प्रोडक्ट अच्छा हो, राइट? आपको याद है तो फ्लैश सेल्स से इन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट हमने दमदार बना दिया, अब इनएक्टिव कस्टमर को पकड़ो। इतने दिन से जो आ नहीं रहा था, जो खरीद नहीं रहा था, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर अटका हुआ था, लॉन्ग पेंडिंग था फनल के अंदर, कोल्ड कस्टमर हुआ पड़ा था, इन्होंने दिवाली पर लॉन्च किया। पिछले साल जो दिवाली गई, वैसे तो पूरी कंपनी का टर्नओवर जो था एक महीने का 3 करोड़ हुआ करता था, फ्लैश सेल्स के बाद एक एक दिन का टर्नओवर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए हो गया। समझ रहे मेरी बात को, जो पूरा महीना में 3 करोड़ होता था वो एक दिन में 4-5 करोड़ होने लग गया, 4.25 करोड़ उन्होंने पीछे अभी किया। न्यू ईयर पे भी इन्होंने 6.5-6.5 करोड़ के आसपास केवल 7 दिन में कर लिया। रिपब्लिक डे पे इन्होंने भयंकर काम किया, 7.62 करोड़ इन्होंने केवल 3 महीने में कर लिया। अब वो क्या है जी, जो पूरे महीने में नहीं होता था वो एक एक दोनों दिन में होने लग गया। अब फाइनली पैसा तो ही कमा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई पैसा कमा रहे हैं तो कुछ सेवा में भी लगाया जाए। तो 7वीं स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, इंक्लूसिव ग्रोथ, जिससे मैं भी इंस्पायर्ड हूँ और मैं भी इसको अडाप्ट करना चाहता हूँ। वो क्या किया जी, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई इन्होंने, डिजिटल लाइब्रेरी, ताकि 2-2 लाख बच्चे फ्री में आकर के डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा उठा सकें। फिर क्या किया, अगर आप विधवा हैं और आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अपना डेथ सर्टिफिकेट दे दो, हस्बैंड का आपको फ्री पढ़ा देंगे। अगर आप अनाथ हैं, अपने पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट दे दो, आपको फ्री में पढ़ा देंगे। अगर आप आंखों से देख नहीं सकते, इफ़ यू आर ब्लाइंड, तो मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो, डॉक्टर का आपको फ्री में पढ़ा देंगे। अगर आप किसी शहीद के परिवार से हैं, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ मार्टियर्स फैमिली, ID प्रूफ दे दो डेथ सर्टिफिकेट का, जो जिसने भी शरीर छोड़ा है मैं आपको तुरंत फ्री में पढ़ा दूंगा। ये 7 स्ट्रैटेजीज के कारण प्रोडक्ट मजबूत हुआ। अब क्या है, अब इसके कारण इनका YouTube पे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगा, क्योंकि YouTube पे ये क्या कर रहे हैं, फ्री GK क्लासेस रोज देते हैं। जब उत्कर्ष फ्री GK क्लासेस रोज देता है तो YouTube पे सब्सक्राइबर बढ़ने लगा, स्ट्रैटेजी काम आई, कस्टमर लॉयल होने लगा, ऐप इंस्टॉल बढ़ने लगा, क्योंकि उसके अंदर ये PDF डाल डाल करके देते हैं, PDF जाके खुलता है ऐप के अंदर, फ्री PDF बच्चा देख सकता है, अटेंड करता है, तो उसके कारण ऐप डाउनलोड बढ़ रहा है, यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और अब इन्वेस्टर भी एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टर का भी, कि भाई मैं कैसे समझे कि इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे बना दी, इतने सारे दूसरी एडटेक कंपनी है जो इन्वेस्टर के पैसे से काम कर रही है, इन्होंने खुद ही बूटस्ट्रैप किया, अपने आप ही चला लिया। बात बड़ी अच्छी, फ्लैश सेल्स का इस्तेमाल आप तभी करिएगा जब आपके प्रोडक्ट में दम हो। 7 स्ट्रैटेजी बताइए एक एडटेक कंपनी की, साथ में आपको फ्लैश सेल अच्छे से समझाया। हो सकता है आप राजस्थान से ना हो, देश के किसी और हिस्से से हो और आपको अब तक नहीं पता चला, आप भी जाइए उनके चैनल पे जाकर के देखिए कि अगली फ्लैश सेल्स कब आने वाली, अगली बड़ी सेल कब मिलेगी। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, जोधपुर के राजा पूरी राजस्थान की मार्केट कैप्चर करी, अब पूरे देश में फैल गए हैं। आपको बता दें 1000% ग्रोथ नहीं हुआ, 1000 गुना ग्रोथ हुआ, थोड़ा गणित में गलती ना हो जाए, 1000% ग्रोथ नहीं, 1000 गुना ग्रोथ वाले मिस्टर निर्मल गहलोत, अगर आप भी इनके जैसे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ये भी हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के पार्टिसिपेंट, आए अटेंड किया, पावरफुल चला रहे हैं 2002 से, लेकिन आने वाले सालों में बहुत तेज ग्रोथ करने वाले हैं। अगर आपको भी फायदा उठाना है, बोर्ड लाइन नंबर पर हमारे फोन करिए, पता लगाइए कि आप भी कैसे जे कर वाले सुपर सॉलिड बिजनेस को सीख सकते हैं। एक फाइनल रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शेयर करिए, समझ में आए केवल इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, बिना इन्वेस्टर के पैसे के भी बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, और उससे अब इन्वेस्टर ढंग से अट्रैक्ट होता है। अब इन्वेस्टर कहता है भाई बताओ यार कैसे किया तुमने, हम भी जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया, और दूसरों से जरूर करवाइए अगर आप कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो से आपको भी थोड़ा एनर्जी आएगा, एंथुसियाज्म आएगा। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक देते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।